एंड अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स. हाउ आर यू ऑल टुडे? आई एम मेकिंग ऑनलाइन वीडियोस फॉर क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ्स. चैप्टर नेम इज़ मल्टीप्लिकेशन, लेक्चर 5. सो लेट्स स्टार्टेड. बच्चों हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन टेबल. इससे पहले हमने पढ़ा था 11, 12, 13, 14, 15, 16 तक का हमने टेबल पढ़ा था. उससे बेस्ट हमने जंबल टेबल्स को सॉल्व किया था. सो अब आज हम सॉल्व करेंगे 17, 18 टेबल और 19 और 20 टेबल से बेस्ट जंबल टेबल. सबसे पहले हम टेबल्स. बच्चों आपको मैंने कितनी बार कहा है कि आप पहले टेबल याद कर लो 20 तक, तो आपका ये चैप्टर और आपके लिए इजी हो जाएगा. सो टेबल यहाँ पे हम पढ़ेंगे. बच्चों अगर 17 × 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 0 आएगा. 17 × 0 इज़ इक्वल टू 0. उसी तरह 17 × 1 इज़ इक्वल टू 17. तो इसी तरह आपको मल्टीप्लिकेशन करना है. तो ये हो जाएगा, इधर टेबल है और इधर आपको मल्टीप्लिकेशन करके बताया जा रहा है. ओके, सो 17 × 2 इज इक्वल टू 34. उसी तरह 73 = 51, 74 = 68, 17 × 5 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, 17 × 8 = 136, 17 × 9 = 153, 17 × 10 = 117. ओके, अब इधर हम बात करते हैं 18 टेबल. यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे आपको 18 का टेबल है. 18 × 0 इज इक्वल टू 0. हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको रिटर्न में क्या मिलता है? 0 मिलता है. ओके, तो 18 × 1 करेंगे तो 18 आएगा. उसे तो 18 × 2 करेंगे तो 36 आएगा. 18 × 2 इज इक्वल टू 36. 18 × 3 = 54. 18 × 5 = 90. 18 × 6 = 108. 18 × 7 = 126. 18 × 8 = 144. 18 × 9 = 162. एंड 18 × 10 = 180. तो ये रहा आपका 18 का टेबल. ओके, अब इससे बेस्ड हम जंबल टेबल्स को हम देखेंगे. जैसे यहाँ जंबल्स वर्ड दिया हुआ, 17 × 10 कितना होता है बच्चों? 17 × 10 जो होता है आपको 170. एकदम इजी है ये. 70 की टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि हमारा 68 आएगा? 70 की टेबल अगर हम 4 टाइम्स पढ़ते हैं तो हमारा 68 आएगा. इसी प्रकार हम 18 के टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 100 आपको 44 आएगा. कितनी बार पढ़ेंगे कि 144 आएगा बच्चों? तो 18 × 8 = 144. उसी तरह 17 के टेबल हम कितनी बार पढ़ेंगे कि 119 आएगा? तो 17 × 7 जो आपको होता है 119. उसके बाद हम पढ़ेंगे 17 × 2 कितना करेंगे, 17 × what करेंगे कि 102 हमको आएगा. 17 × 6 कितना होता है बच्चों? 102. 18 × 0 किसी भी नंबर को हम 0 से अगर मल्टीप्लाई करते तो हमको रिटर्न में 0 मिलता है. उसी तरह 18 × 5 को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 18 × 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमको 90. उसी तरह 17 × 3 करेंगे तो कितना आएगा बच्चों? 17 × 3 करेंगे तो आएगा हमारे 51. ओके, तो इस तरह से आप ये जंबल वर्ड्स को, जंबल टेबल्स को आपको कंप्लीट करना है. अब हम आते हैं टेबल 19 और 20. सो ये है बच्चों आपका मल्टीप्लिकेशन टेबल ऑफ 19 और 20. कैसे मल्टीप्लाई करके टेबल्स को बनाए गए वो हम पढ़ रहे हैं. तो बच्चों अगर 19 × 0 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है? 0 आता है. 19 × 1 मल्टीप्लाई करते हैं 90. 19 × 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 38. 19 × 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 57. तो आपको मल्टीप्लिकेशन सिर्फ बताया जा रहा है, बट आपको टेबल, अगर आप जब तक आप टेबल याद नहीं करोगे तब तक आप इस चीज़ को सॉल्व आउट नहीं कर पाओगे. सो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द टेबल. सो 19 × 1 इज इक्वल टू 90. 19 × 2 = 38. 93 = 57. 94 = 76. 95 = 95. 96 = 114. 97 = 133. 98 = 154. 99 = 175. 110 = 119. तो जब तक आप टेबल नहीं याद करोगे ये मल्टीप्लिकेशन का, आपको बस ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा. ओके, उसके बाद बारी आती है 20. 20 × 0 इज इक्वल टू 20. 20 × 1 इज इक्वल टू 20. ओके, 22 = 40. 23 = 60. 24 = 80. 25 = 100. 26 = 120. 27 = 140. 28 = 160. 29 = 180. एंड 20 × 10 = 200. ओके, तो आपको कम से कम, मैंने सारे जो भी मैंने एक्सरसाइज पर सारे एक्सरसाइज मैंने कहा है कि आपको टेबल याद होना चाहिए. अगर आप टेबल याद नहीं करोगे तो आप डिवाइड नहीं बना पाओगे, मल्टीप्लिकेशन में प्रॉब्लम होगा. ओके, टेबल याद रहेगा फटाफट आपका सब काम हो जाएगा. सो यहाँ पे है आपको जंबल
tables. So let us start it. जैसे कि 99 जा बच्चों कितना होता है, 99 जा आपको होता है 171. उसके बाद 2 में है 97 जा आपको होता है, अगर आप टेबल नहीं याद होगा तो आप करते रह जाओगे, 97 जा होता है आपको 133. 20 × 7 करेंगे तो कितना होगा, तो 140. 90 × 10 करेंगे कितना होगा, 190. 20 × how much यहाँ पे कितना होगा कि आपको 100 आएगा. 20 × 5 इज इक्वल टू 125 सा 100. 19 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 114 आएगा, तो 196 आपको होता है 140. और 19 × 10 इज इक्वल टू 119. एंड 19 × 0 इज इक्वल टू 0. ठीक है, इस तरीके से आपको ये सॉल्व आउट करना है. 99 × 171 97 × 114 ओके. एंड 19 × 0 = 20 × 7 = 140 20 × 7 = 140 25 = 100 19 × 190. तो इस तरह से आपको ये मैथ्स को सॉल्व आउट करना है. ओके, अंडरस्टूड? सो चिल्ड्रेन, आप इसी तरह जंबल्स टेबल्स को आप कंप्लीट कीजिए. एंड स्टे एट होम, स्टे सेफ. So children, take care, have a nice day. Thank you.